नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। दुनिया में भूमिगत जल का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक काल से भूमिगत जल का इस्तेमाल हो रहा है। कुएं जलापूर्ति के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। मत्स्य पुराण में कुआं खोदे जाने का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ईंटों से कुओं का निर्माण किया था। मौर्य काल में भी कुओं का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी रहट के जरिए कुओं से सिंचाई का विवरण प्राप्त होता है। वराह मिहिर की बृहद संहिता नामक ग्रंथ में भूमिगत जल के स्रोतों का पता लगाने की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भूगर्भ जल स्रोतों की इस प्राचीनता का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रचुर भूगर्भ जल हमें मिलता रहा है, शायद आने वाली पीढ़ी को हम नहीं दे पाएंगे। स्थिति अत्यंत भयावह है। सूखती नदियां और तालाब, गायब होते प्राकृतिक जल स्रोत, धरती के नीचे का गिरता जलस्तर, यह वह खतरनाक संकेत है जो पानी के लिए संभावित युद्ध की परिकल्पना को मजबूत करते हैं। वर्तमान संकट में भविष्य भयावह होने से के संकेत जरूर देते हैं, लेकिन अब भी हम अपनी आधुनिक चेतना के साथ जाग जाएं तो स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास रंजन, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड में और बीके उपाध्याय निदेशक हैं भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश में। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो हमारी चिंता का विषय है वो हमारी नहीं, हमारे साथ जो भी जीवन है उस सब के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस पूरे धरती पर जो जीव हैं उनके लिए पानी की क्या आवश्यकता है इसको कहने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पर हम अगर अपने परिदृश्य में बात करें, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बात करें या देश भारत के परिदृश्य में बात करें, तो यह बात चिंता की है क्योंकि अक्सर आपका विभाग या इससे जुड़े हुए जो अध्ययन सामने आ रहे हैं उसमें लगातार इस बात को कहा जाता है कि भूगर्भ जल का जो दोहन हुआ है वो स्तर से ज्यादा हो चुका है और आने वाले समय में यह किसी न किसी परेशानी का कारण बनेगा, सबब बनेगा। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने तो सही कहा कि पानी तो सबकी ज़रूरत है ही है, और इसीलिए क्योंकि हम लोग की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो पानी का यूज़ हमेशा बढ़ता जा रहा है जी। और हमारा डिपेंडेंस, थोड़ा सा निर्भरता भूगर्भ जल के ऊपर ज़्यादा है जी। वो भी एक वजह है कि भूगर्भ जल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस और जोर पड़ रहा है, तो इस वजह से ज़्यादातर जगहों पर जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। और ये जो परेशानियां हैं हम लोग के लिए कि उससे इतना नीचे से फिर उठाना सिंचाई के लिए या ड्रिंकिंग के लिए, उसमें फिर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ये सही है। और इसके लिए सरकार तो कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लोग को पता रहता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करते रहते हैं कि कहाँ कैसे हो रहा है जी। लेकिन उसके लिए अगर सोल्यूशन हमें ढूंढने हैं तो हमको सबकी भागीदारी के साथ में, केंद्र को, सरकार को, राज्य सरकार से, जैसे आप हमारे निदेशक हैं, सबको मिलके इसके लिए आगे बढ़ना जरूरी है जी। और हम लोग उसमें प्रयासरत भी हैं जी। और कुछ हम लोग की जो बिल्कुल बिल्कुल आपके केंद्रीय प्रयास क्या हैं कि भूगर्भ के जल स्तर, गिरते जल स्तर को कैसे रोका जाए, उसके लिए लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। लेकिन आपने एक बात कही कि बढ़ती हुई आबादी जी। हाँ, निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि 1901 में देश की आबादी 23.8 करोड़ थी। 2001 में यह बढ़कर 103 करोड़ हो गई। 2018 में 1 अरब 30 करोड़ है और 2025 तक अनुमान है कि 1 अरब 41 करोड़ हो जाएंगे और 2050 तक 1 अरब 65 करोड़ की आबादी हमारे देश की हो जाएगी। निश्चित रूप से निर्भरता भूगर्भ जल स्रोतों पर है। और अगर हम प्रति व्यक्ति इसके उपलब्धता की बात करें, जिसका एक आंकड़ा है, जैसा कि रंजन जी ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी, निश्चित रूप से 1947 में प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 5000 घन मीटर की जल की थी। 2000 में यह घटकर के 2000 घन मीटर हो गई और अनुमान है कि 2050 तक घटकर यह 1000 घन मीटर तक रह जाएगी। ऐसे में उपाध्याय जी, आप उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल के स्रोतों के बारे में, भूगर्भ जल की स्थिति के बारे में, आपका विभाग अध्ययन भी करता है, लोगों को अवेयर भी करता है, ये आंकड़े जो बताते हैं, क्या कहें? बिल्कुल सही है आशुतोष जी। मैं यह प्रदेश के निवासियों को ये बताना चाहूंगा, हमारा विभाग भूगर्भ जल से संबंधित अध्ययन करता है जी। उन अध्ययन के आधार पर हम बता सकते हैं कि सन 2000 में जो हमारे डार्क ब्लॉक थे, डार्क ब्लॉक का मतलब हुआ कि वो विकास खंड जो अब
क्रिटिकल स्थिति में आ गया है, जहां पर प्रदेश सरकार ने सरकारी बोरिंगों पे रोक लगा रखी है ताकि वहां की स्थिति और भयानक न हो। तो 2000 की स्थिति में और आज 2013 में जब हमने असेसमेंट किया तो ये 9 गुना बढ़ गई है जी। इसकी स्थिति की भयावहता आप इसी से लगा सकते हैं। प्रदेश में जो भूगर्भ जल की स्तर की स्थिति है वो इतनी भयानक है कि हमारे लखनऊ शहर में ही करीब 65 से 90 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गिरावट दर्ज की गई है। इस समस्या का जो एक मूलभूत कारण है जो मेरी समझ में आता है वो पब्लिक के दिमाग में ये है कि ये असीमित भंडार है, इसको हम जैसा चाहे यूज कर सकते हैं। इस पे किसी भी केंद्रीय सरकार ने लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास नहीं किया कि ये असीमित नहीं है और इसको हम मैनेजमेंट के हिसाब से ही कंट्रोल करके ही यूज करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको उपलब्ध करा पाएंगे, वरना आने वाली पीढ़ी भूगर्भ जल के बारे में सुन के ही रह जाएगी और मानव अस्तित्व तो बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हम सभी का, प्रदेश का, सरकार का और सबसे मुख्य रूप से हम सारे नागरिकों का मिलकर ये प्रयास होना चाहिए कि इस अमूल्य संपदा को अपने आने वाली पीढ़ी तक संजो के रख सकें। इसमें हमारे विभाग ने जो है एक मिशन चलाया है जिसमें हम जो 271 जितने भी क्रिटिकल और ब्लॉक हैं उनको समेकित रूप से, हमने इसमें किसी विभाग को किसी धन की आवश्यकता नहीं थी। हमारे प्रदेश के अलग अलग विभाग अलग अलग रूप से रिचार्ज के रूप में काम करते थे, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं राज्य भूजल संरक्षण मिशन के रूप में और उनसे कहा गया है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो जो ये प्रॉब्लमेटिक ब्लॉक है जितनी समस्याग्रस्त विकास खंड है इस विकास खंडों में आप समेकित रूप से काम करें ताकि इसका प्रभाव दिख सके, वाटर लेवल में भूगर्भ जल के स्तर में सुधार हो सके, इसकी क्वालिटी में सुधार हो सके और हम आने वाले समय में इसका बेहतर उपयोग। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, हमारे सामने भी एक रिपोर्ट है, ये भूजल की आकलन रिपोर्ट है 2013 की। ये हमारे विभाग बता रहे हैं स्टडी, ये आपके ही विभाग की स्टडी है। इसमें अतिदोहित जो है 113 विकासखंड बताए गए हैं, क्रिटिकल 59 विभाग हैं और इसके साथ सेमी क्रिटिकल 49, सुरक्षित हैं 603। तो ऐसी स्थिति में जो डार्क जोन जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उस डार्क जोन को कैसे लाइट जोन में बदला जा सकता है, इसके लिए विभाग आपका क्या कुछ कर रहा है? ये तो सत्य है कि पानी को बनाया नहीं जा सकता और एक मुख्य स्रोत जो हमारे पास रिचार्जिंग के लिए है वह है वर्षा जल। वर्षा जल के अलावा प्रकृति ने हमें कोई ऐसा साधन नहीं दिया है कि हम उस पानी को रिचार्ज कर सके। इसलिए सभी नागरिकों का, ये प्रदेश के नागरिकों का और इवन देश के नागरिकों का ये कर्तव्य होता है कि वर्षा जल के एक एक बूंद को समुचित उपयोग करके उसको भूगर्भ जल में रिचार्ज कराएं। इसके लिए ही प्रदेश सरकार ने कई तरह की योजनाएं लागू की हैं और इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण इस रिचार्ज का ये होगा कि हम दो चीजें होती हैं इसमें, एक डिमांड साइड एक सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब होता है कि हम रिचार्ज कराएं वगैरह वगैरह सारे करके भूगर्भ जल को के स्तर को, उसके भंडारण को बढ़ाएं। दूसरा होता है डिमांड साइड जिसमें जन सहभागिता बहुत जरूरी है। हम पानी के बर्बादी को अगर रोक लेते हैं तो ये उसी तरह हुआ जैसे बिजली के लिए होता है कि बिजली का की बचत ही बिजली का उत्पादन है, उसी तरह से आप समझे कि अगर पानी की बर्बादी को आपने रोक लिया और यही आपके रिचार्ज करने के भूगर्भ जल के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, आने वाली पीढ़ी पे बहुत बड़ा एहसान होगा और आप अप्रत्यक्ष रूप से भूगर्भ जल के रिचार्ज में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। रंजन साहब, जैसा कि आपका विभाग पूरे उत्तर प्रदेश के देश में इस बात का अध्ययन करता रहता है कि किस तरह से पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे जो है भूगर्भ जल में इसकी स्थिति क्या है, कहाँ का जल खारा है, कहाँ का पीने योग्य है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भों में बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में हम बांटें तो बुंदेलखंड एक हमारा रीजन है जो सूखे की लगातार समस्या से घिरा हुआ है, उसके अलावा हमारा तराई का इलाका है जो पानी की उपलब्धता वहां पर पर्याप्त और प्रचुर है, उसके साथ में आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये चार हिस्सों के बारे में आप कैसे, इसको अपने विभाग का जो अध्ययन है उसके हिसाब से हम हमारे कुछ देखिए, ये जो क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही एक बड़ा राज्य है तो थोड़ा सा इसमें अलग अलग प्रकार की भूगर्भ जल की स्थितियां मिलती हैं जी। आपने चार क्षेत्रों का अलग अलग नाम लिया, उसमें बुंदेलखंड जैसे है, बुंदेलखंड का ज्यादातर हिस्सा जो है पठारी है, पत्थर उसमें नीचे ज्यादा है, कुछ थोड़ा सा अगर उत्तरी क्षेत्र उसका पार्ट छोड़ दें जी। ऐसी जगहों पे और
वैसे बुंदेलखंड में पानी बारिश भी अच्छी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इरेटिक है कि मतलब कभी होती है फिर दो तीन साल लगातार सूखा पड़ता है, इसलिए वहां की स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और भूगर्भ जल की उपलब्धता वहां थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि नीचे पथरीला इलाका है, और अगर हम उसमें कोई ट्यूबवेल लगाते हैं तो उसमें पानी मिलने की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि वो केवल एक कुछ दरारों में और उसमें वो पानी रहता है, तो उसको हम लोग अगर वहां पर नहीं कोई सुटेबल जगह मिली तो पानी वहां पर मिलेगा। रंजन साहब, एक हम आपको रोकेंगे, अगर आप बुंदेलखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं, दरारों में पानी रुकता है, जो कुएं हैं उनके माध्यम से पानी, लेकिन बुंदेलखंड की जो जैसा कि आपने कहा पथरीला इलाका है, लगातार वो जो है सूखे की चपेट में रहता है, तो बुंदेलखंड के बारे में स्पष्ट तौर पर एक मान्यता रही है कि बुंदेलखंड में कहा जाता है खेत खेत के ऊपर मेड़ जी, मेड़ का मतलब एक चौड़ी मेड़, खेत खेत के ऊपर मेड़, मेड़ के ऊपर पेड़, जो रिचार्ज का हमारा सिस्टम था वो पेड़ों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही मतलब एक जो पुराना वहां का सिस्टम था, क्योंकि वो जानते थे यहाँ पानी की कमी है, तो वो मेड़बंदी करके उसको पानी को जो जहां खेतों में आ रहा है वहीं उसको रोक लेना, वहीं उसको कंजर्व करना, वहीं से उसका इस्तेमाल करना। अब वो प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होती गई, फिर एक ये अन्ना प्रथा का भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जानवरों को बाद में खुले छोड़ देना, वो भी एक प्रॉब्लम करने लगा। लेकिन यही जो चीजें हैं आजकल बुंदेलखंड की जो समस्या है उससे निपटने के लिए वहीं के लोगों को बहुत जागरूक होना पड़ रहा है, और लोग कर रहे हैं जी। कुछ ऐसे हम लोग के उसमें पता मतलब संज्ञान में है ऐसे ऐसे उपयोग या ऐसे ऐसे वहां पर एनजीओज या रिचार्ज का जो लेटेस्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, जैसे कि पेड़ उपाध्याय। बुंदेलखंड की समस्या एक दूसरी तरह की समस्या है, वहां पानी की उपलब्धता भूगर्भ जल के रूप में कम है, सीमित है, क्योंकि वहां पे जो आप जैसा कि विकास जी ने बताया कि वहां पे पत्थरों के दरारों में पानी होता है जिसकी क्षमता बहुत कम होती है। अब हमें बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में और क्षेत्रों की अपेक्षा अलग योजनाएं लानी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, एक मिनट हम आपको रोकेंगे, जो सूखे की स्थिति है वो अभी पिछले 10 या 15 सालों से बनी हुई है, इसके पहले भी बुंदेलखंड था और बहुत हरा भरा था, सरसब्ज था, हरा भरा मीन्स कि जितना खेती होती थी, सूखे जैसी स्थिति नहीं थी, उसके लिए जिम्मेदार। देखिए आपको फिर बताऊं मैं कि बुंदेलखंड की स्थिति जो है वो इस तरह की है कि अगर वहां थोड़ी भी बरसात होगी तो उसके जो भूगर्भ जल की धारण क्षमता है वो भर जाती है। अब बाकी के पानी जो होते हैं, जो बाकी की बरसात होती है, वो रन ऑफ के रूप में उस क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। अब उस क्षेत्र के लिए हमें ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो उस पानी को वहां रोक के रखे, जैसे आपने बताया कि मेड़बंदी करनी है। मेड़बंदी का सिर्फ मतलब ये कि बरसात के दौरान उस पानी को उस खेत में रोक के रखें, ताकि जैसे ही बरसात खत्म हो आप भूगर्भ जल को जैसे ही उपयोग में लाएं वो ऊपर का पानी उसको तुरंत रिचार्ज कर दे, क्योंकि वहां की रिचार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से रिचार्ज होती है। इसलिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में या जितने भी हार्ड रॉक एरिया है उसके लिए आपको सतही जल के संचयन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ कर्म किए होंगे जो हम इंडो गैंजेटिक प्लेन में है, आप पूरे इंडिया की स्थिति देखिए, विकास जी तो अच्छी तरह से बता सकेंगे, आपका ये गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र है पूरा उत्तर प्रदेश, उधर हिमाचल और पंजाब से लेकर के इसको छोड़ के तीन चौथाई भारत पथरीला है और पानी की समस्या से जूझ रहा है, और वहां पे पानी को लेकर तमाम तरह की समस्याएं आप अखबारों में पढ़ते होंगे। तो अब क्या है कि मैदानी क्षेत्र जो हमारे हैं वहां भी हमने कोई अपनी योजना नहीं बनाई, अंधाधुंध दोहन किया, उसका दुरुपयोग वर्ड ही मैं यूज करूंगा, किया, उसका परिणाम ये हुआ कि अब यहाँ पे उपलब्धता के साथ साथ एक जो मुख्य समस्या आ रही है वो पानी के प्रदूषण की है। पानी तो है, पानी प्रदूषित है, तो वो उसी स्थिति में आपको ले आया कि पानी नहीं है। जैसे आप देखें कुछ चीजें होती है जो हमारे इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी गलतियों से प्रदूषण होता है, उस पर तो हम रोक लगाना चाहिए हमें, और निश्चित रूप से हर आदमी को ये कसम खानी चाहिए कि हम उस पर रोक लगाएंगे। कुछ प्रदूषण होते हैं जो जियोजेनिक होते हैं, जो नेचर के द्वारा होते हैं, उसके लिए हम बधाई कभी कभी इंडस्ट्रियल जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्रीज जो है जो प्रदूषण पैदा करती है उन पर रोक लगानी चाहिए, तो ड्रेनेज सिस्टम में जो उनका पानी आ रहा था उसके माध्यम से नदियों में नालों में जा रहा था उस पर आपने रोक लगा दी। लेकिन सुनने में ऐसा आया है और देखने में भी आया है अक्सर कि वो इंडस्ट्रीज जो है पाइपलाइन गहरी बोरिंग करके वो गंदा पानी नीचे आपके स्टेटा में डाल दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका विभाग और आप क्या कर पाते हैं, भूगर्भ के आप संरक्षक हैं जल के? जरूर है, आपका कहना बिल्कुल उचित है, हम संरक्षक हैं उसके, हमें ये दायित्व सौंपा गया है, हम अपने दायित्व को पूरा करते भी हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी
मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऐसी समस्या है जिसको सरकार अकेले, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रादेशिक सरकार हो, अकेले इसको दूर नहीं कर सकती। इसके लिए जनसहभागिता बहुत जरूरी है। इसके नहीं लिए कोई प्रकरण आज तक प्रदेश में इस तरह से आपके सामने आया है क्या? अभी तक नहीं आया, लेकिन जितने भी प्रकरण हमारे छोटे मोटे, मैंने उनसे जाकर के रिक्वेस्ट किया है और उसको बंद कराया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आप ऊपर के सरफेस के पानी को गंदा करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से साधन हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन किन प्रकरण अगर आपने भूगर्भ जल को दूषित कर दिया तो मेरी नजर में इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। जी बिल्कुल, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। और मैं समझता हूं कि मेरे दिमाग से इसके लिए कोई इतनी बड़ी सजा भी मेरे दिमाग में नहीं जिसके लिए मैं आपसे कुछ कह सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रंजन जी, अभी आप प्रदूषित जल की बात कर रहे थे उपाध्याय जी, उसका भी आंकड़ा जो कुछ भी है कि भारत में लगभग 4.4 करोड़ लोग प्रदूषित पानी के पीने के लिए मजबूर हैं। उत्तर भारत के संदर्भ में, अगर उत्तर प्रदेश के लिए हम संदर्भों में बात करें, तो कई ऐसे इलाके हैं कि अक्सर जो है इस तरह की बातें सामने आती हैं कि आर्सेनिक की मात्रा कहीं ज्यादा पाई जाती है, कहीं पर नमक ज्यादा पाया जाता है, पानी खारा पाया जाता है। तो इस तरह से जो स्थितियां हैं, क्या कुछ आपका विभाग इसके लिए अवेयरनेस का काम, और साथ में स्थिति वास्तव में उत्तर प्रदेश की क्या है? बिल्कुल, हम लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं जी। देखिए, जहां तक ये नमक ज्यादा है, खारापन या आर्सेनिक, ये जैसा कि अभी उपाध्याय जैसा आप बोल रहे थे जी, ये नेचुरल एक वो है जी, फिनोमिना है कि यहाँ पर ऐसा पाया ही जाता है जी। तो जैसे आर्सेनिक जहाँ प्रभावित क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने डीप ट्यूबवेल्स भी बनाए हैं जी, और हम लोगों ने ये पाया अपनी स्टडीज में कि थोड़ा ऊपर के करीब 60-70 मीटर तक आर्सेनिक की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जा रही है कि कहीं मिलता है, लेकिन नीचे का जो हमारा एक्विफर ग्रुप है वो सेफ है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा कंजम्पशन, अगर आप कोई मानव के लिए कंजम्पशन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसे ट्यूबवेल्स बना के यूपी जल निगम को सौंपे जिसमें हम लोगों ने ऊपर के स्ट्रेटा को सीमेंट से अलग कर दिया और नीचे का पानी जो सेफ पानी है उसको दिया। ये हमने करके दिखाया है, इसको राज्य सरकार अपना दोबारा अलग अलग जगहों पे इसी को रिप्लिकेट भी कर सकती है कि इस तरह से बनाएंगे तो आर्सेनिक से तो इसको हमें सेफ पानी मिल सकता है जी। ऐसे ही लेकिन खारे पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम अजीब टाइप की है, वो वेस्टर्न यूपी में है, तो उसमें अगर एक बार खारा पानी शुरू हो तो वो काफी नीचे तक जाता है। तो उसमें हमारे पास एक फ्रेश पानी का कॉलम जो है, जो अच्छा पानी है, वो थोड़ा कम रह जाता है, बारिश में आता है, रिचार्ज होता है, डाइल्यूट करता है, उसके बाद में हम उसको निकाल लेते हैं तो फिर खारे पानी की समस्या। तो ऐसी जगहों पे तो जैसा एक तरीका है कि हम सरफेस वाटर को थोड़ा सा और कंजर्व करें जी। जैसा आपने बताया ना कि जितना हम लोग सरफेस वाटर को कंजर्व करके उसका इस्तेमाल कर लें, वो फिर रुकेगा तो नीचे भी जाएगा, तो आपके पास में कॉलम थोड़ा सा फ्रेश वाटर का बढ़ेगा भी जी। और एक चीज उपाध्याय जी ने कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता था कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं, जो सेंट्रल गंगा प्लेन है कि जहां पर हमें पानी की बहुतायत है, मिलता जाता है काफी जगह पर, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती है, पानी तो है, हम उसको जितना ज्यादा निकालते जा रहे हैं, जितना नीचे जा रहे हैं उतना हमारा कंजम्पशन उसका बढ़ रहा है, एनर्जी का, ऊर्जा हमें उतनी ही इस्तेमाल करनी पड़ रही है। वो एक अलग आयाम हो जाता है इस चीज का कि आप जितना पानी उसको नीचे से निकालते जाएंगे, पानी तो मिल रहा है आपको, लेकिन आप ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़ाते चले जा रहे हैं उस प्रोसेस में। तो ये चीज पर भी ध्यान रखना है जी, जिससे कि हम लोग अगर पानी के लेवल को बनाए रखें और कंजर्वेशन करें, और डिमांड साइड की जैसे सर ने बात करी उसमें हम उस पर अपनी कमी लाएं, जितना जरूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल, सिंचाई या पानी इसके लिए हो, तो हम लोग काफी कुछ हद तक मैनेज करने में सफल होंगे। बिल्कुल उपाध्याय जी, लगातार आपने भी कहा कि जो रिचार्ज का हमारा सिस्टम है वो सारा कुछ डिपेंड करता है बारिश के ऊपर, वर्षा का जो जल है वह जो है वही हमारे भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाता है। रिपोर्ट इसकी भी है कि 69.56 लाख हेक्टेयर मीटर बारिश का जल मिट्टी में सोख लिया जाता है, जबकि 41.20 लाख हेक्टेयर मीटर बारिश का पानी वाष्पित हो जाता है, यानी भाप बन करके उड़ जाता है। 30.37 लाख हेक्टेयर मीटर बारिश का जल पानी भूगर्भ जल स्रोतों में समाहित हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो आपकी बचत होती है। इसके अलावा 88.27 लाख हेक्टेयर मीटर बारिश का पानी हर साल व्यर्थ हो जाता है। ये सबसे बड़ी संख्या है जो आपने बताया, और मैं फिर दोबारा आपसे कहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि इस संख्या पे जरूर ध्यान दें, और प्लीज आप पानी की बर्बादी को
जहां भी देखें एक अभियान के तहत जी इसको अगर रोक लेंगे, इसको बचा लेंगे। उपाध्याय जी देखिए, अभी तो हमारे आदतों में ये आया ही नहीं कि हमें पानी कैसे रोकना है। कारण यह है कि जो हमारे रोकने के यंत्र थे, तालाब थे, बावलियां थी या ऐसी जगहें थी जहां पानी रुकता था और रिचार्ज होता था। अभी ज्यादातर पानी जो संख्या दी गई कि 88.27 लाख हेक्टेयर मीटर पानी हमारा जो है वो बह करके चला जाता है। तो जो पानी बह गया, एक बड़ी मात्रा बह गई, 12% से कुछ कम पानी जो है वही जमीन के अंदर समाहित हुआ, वाटर रिचार्ज का जो है सिस्टम वो गड़बड़ाया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है रंजन जी, मैं जानना चाहूंगा कितना आप सहमत हैं कि जो हमारा वृक्ष था, पेड़ था, वह रिचार्ज करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम था। उसकी जड़ें पानी को रोकती थी और रिचार्ज सिस्टम को जो है ठीक करती थी। पेड़ों की कटान अवैध रूप से हुई और बड़ी मात्रा में हुई। ये तो एक बहुत बड़ा कारण है जी कि हम लोग का जो हम लोगों ने पेड़ों को काट के खत्म किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पानी जब चलता है तो पेड़ की जड़ें उसको रोकती भी हैं और उसमें मदद करती हैं कि वो पानी नीचे जाए जी। तो पेड़ों का कटना एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम लोग का पानी अब रिचार्ज होने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन यह है कि अब हम लोग डेवलपमेंट पे भी चल रहे हैं तो कहीं कहीं ये जरूरी भी हो जाता है कि आप हटाएं, तो इसीलिए उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमें अपने प्रयास तो अलग से करने पड़ेंगे। बिल्कुल उपाध्याय जी, हम आशुतोष जी मैं आपको एक वो बता दूं जी। आपने सुना होगा कि जब भागीरथी ने गंगा को जमीन पे लाने का प्रयास किया तो उन्हें डायरेक्ट नहीं लाने दिया गया। ये हुआ कि शंकर जी का आप करें और जटा में, वो एक सिंपल सा आपका इंडिकेशन है कि आप किसी भी बहते हुए पानी को बह न जाने दें, उसको कहीं ना कहीं उसके वेग को रोकें, अपने एरिया में रोकें ताकि वो रिचार्ज कर सके। तो ये तो हमारे पौराणिक काल से ही है कि आप पानी के को व्यर्थ बह के जाने ना दें, अदरवाइज आने वाली पीढ़ी को आप ये भूगर्भ जल या जल नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जो ये व्यर्थ बह के जाने वाला पानी है इसके लिए हर संभव प्रयास करें इसको रिचार्ज करने के लिए, इसको अपने उपाध्याय जी वही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार के स्तर पर, प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है, एक बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी मात्रा है जो बह करके चली जा रही है, अवेयरनेस का भी आप काम कर रहे हैं, रोकने के उपाय क्या है, कौन सी ऐसी विधियां हैं, प्रविधियां हैं जिनसे कि इस जल को रोका जा सके? देखिए सरकार तो ये जो पानी रोकने का है, किसान तो अपने खेतों में मेड़बंदी करके रोक सकता है, छोटी छोटी मेड़बंदियां करे और लगाए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार जो है विभिन्न योजनाओं में विभिन्न संस्थाओं की वजह से चेकडैम बनाती है, उन नालों पे जो पानी बह के निकल व्यर्थ बह जाते हैं उसमें सीरीज ऑफ चेकडैम बनाती है ताकि पानी वहां रुके। तालाबों का निर्माण हो रहा है, तालाबों का पुनर्निर्माण भी हो रहा है, रिचार्ज के जितने साधन है वो किए जा रहे हैं। फर्क ये पड़ा है कि लोगों की डिपेंडेंसी भूगर्भ जल पे बढ़ती जा रही है। पहले जहां 47-48% सिंचाई पे लोग डिपेंडेंट थे, अब वो बढ़ के 80% के आसपास आ रहा है। सरफेस वाटर पे भी हमें एक ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि सरफेस वाटर पे अपनी डिपेंडेंसी को हम बढ़ाएं। उससे क्या हुआ, जैसे पहले था तालाब में लोग नहाने जाते थे, उसका संरक्षण करते थे, पानी तालाब में बहता था, आने वाले रास्तों को रोकना। अब जब से वो उनके घर के सामने हैंडपंप लग गया, ट्यूबवेल लग गया, तो वो तालाब की तरफ झांकने, उनके पशु भी वहीं पे पानी पीते हैं, तो तालाब में आने वाले पानी के रास्तों को भी लोगों ने रोक दिया। गांव वालों को कोई चिंता ही नहीं है कि ठीक है हम तो हमको तो हैंडपंप, तो इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोगों ने बड़े एक, गलत तरीके से यूज किया। एक बड़ी बात रंजन साहब आती है सामने कि सिंचाई का जो साधन है वो ज्यादातर डिपेंडेंट है भूगर्भ जल पर, तो अत्यधिक दोहन जो है सिंचाई के लिए ही पानी निकाला जा रहा है। सिंचाई के लिए हमने कौन सी ऐसी तकनीक निकाली, आखिरकार ये जो भूगर्भ जल निकाला जा रहा है ये भी एक टेक्नोलॉजी के रूप में आज से पहले शामिल किया गया, आज उसके जो है खराब परिणाम सामने आ रहे हैं। अब जैसे अभी आपने बीच में जैसे हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट की जब बात करी थी, तो वही एक तरीका है कि क्योंकि हमको उपलब्धता मिल गई कि पानी इजिली उपलब्ध हो रहा है, आसानी से ट्यूबवेल से हम निकाल रहे हैं तो हम उसको इस्तेमाल ही करते जा रहे हैं। अगर बिजली आई, खोल दिया, पानी चल रहा है, जरूरत ना हो तो भी खेतों में जा रहा है। जैसे वेस्टर्न यूपी में आप लें तो गन्ने की खेती बहुत होती है, वहां पर भी जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो जाता है सिंचाई के लिए। अब इतने रिसर्च, इतनी स्टडीज हो चुकी हैं, आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, इन्होंने तरीके बताए हैं कि आप कम पानी में टाइमिंग के साथ में गन्ने में भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो अगर उन तकनीकों को इस्तेमाल करें तो आपका पानी का कंजम्पशन 40% से 50% तक भी कम हो सकता है। तो इसमें ये है डिमांड साइड की, मतलब जितनी जरूरत है आप उतना ही इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि उपलब्ध है तो क्या होता है कि चल रहा है। और नहीं, इसके लिए भी उपाध्याय जी अभी हमारी
कई सारी योजनाएं केंद्र सरकार की भी दिखाई देती हैं, जिसमें वन ड्रॉप मोर क्रॉप, डीप इरिगेशन, तो वो सारी चीजें भी ले आई जा रही हैं। लेकिन अभी प्रयोग के रूप में जो है आदतें हमारी खराब हैं कि हम उसको जो है जरूरत से ज्यादा खेतों को भरने का काम करते हैं। इसमें हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। हमें अपने जैसे कि बताया अभी कि वेस्टर्न यूपी में लोग गन्ने की खेती के बड़े शौकीन हैं और उनको लगता है कि तो हमारी भी जिम्मेदारी है और किसान भाइयों की भी ये जिम्मेदारी है और कि ये जाने कि ऐसा नहीं है। देखिए हमारा कुल पर्पज है किसान की आमदनी बढ़ाना, तो ऐसा नहीं है कि केवल गन्ना बो करके ही आदमी किसान को पैसे मिले। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके भी जिसमें पानी की भी बचत होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी, जैसे ड्रिप। अच्छा मान लीजिए कि वो केवल गन्ने की खेती करना चाहते हैं, उसमें भी अगर टेक्नोलॉजी को यूज करें, भारत प्रदेश सरकार 90% तक की सब्सिडी देती है ड्रिप और 70-90% ड्रिप, और लोगों को ये लगता है कि बूंद बूंद पानी होगा तो हमारी उत्पादकता घट जाएगी, ऐसा नहीं है। पानी की आप बचत कर रहे हैं 40-50% तक की, कहीं कहीं 70%, और आपकी उत्पादकता 125% ज्यादा हो रही है। तो ये भी एक अवेयरनेस है हम सभी सरकारों का, अपने विभागों का, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, किसान उसको एडॉप्ट भी कर रहे हैं और जब एक बार उन्हें इसका फायदा मिलेगा तो वो इसको उपयोग में लाएंगे। जी बिल्कुल, तो हमारा ये प्रयास है। बिल्कुल, और हम एक बार फिर प्रदेशवासियों से कहेंगे कि जो भी चीजें नई टेक्नोलॉजी है, जैसे उन्होंने ट्यूबवेल को अपनाया, क्रॉपिंग पैटर्न को भी अपनाएं, बाकी की जो नई नई अवधारणाएं कृषि में, हॉर्टिकल्चर में और इसमें है, इसको भी अपनाएं, इससे उनका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में भी थोड़ा सा लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं जब हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, तो वो भी अगर कम से कम हो तो काफी कुछ बचत होती है उस पानी की। जी, लेकिन एक तथ्य और सामने आता है कि ग्लोबल वार्मिंग का भी एक शब्द रंजन साहब आता है, तो ये भूगर्भ जल को रोकने में कम जो हो रहा है ये कितना जिम्मेदार है, या इस वार्मिंग के और क्या इम्पैक्ट दिखाई देते हैं? अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो एक बहुत ही बड़ा विषय हो गया। जी बिल्कुल, है ना, इसके लिए नहीं, अक्सर इस बात, अभी जैसे इस मानसूनी बारिश में देखा जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि मानसून जो है 15-16 तारीख तक जो है यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक हफ्ते लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी, अब इस जितने दिन आपका ये तपती धूप रहेगी उतने दिन जो है आप तेजी से पानी दोहन करेंगे, लेकिन रिचार्ज का सिस्टम अगर समय से शुरू हो जाए, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो तो देखा गया, अगर वो एक पैटर्न फॉलो कर ले तो जैसा हमेशा से होता है अपने आप ही एक पद्धति बन जाएगी उसके साथ में। लेकिन अगर वो पैटर्न नहीं फॉलो करता कोई, कि कभी कुछ तरीके से चल रहा है, कभी एकदम से बहुत स्पेल बारिश हो गई, लगातार हो गई, तब थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। उसके साथ में हम लोग को निपटने के लिए ऐसे ऐसा होता है कि सरफेस वाटर और ये हमें बैलेंस करना पड़े, जैसे कंजंक्टिव यूज हम लोग जैसे बोलते हैं, कि दोनों चीजें मिला। बिल्कुल 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 उपाध्याय जी, आज की जो हमारी बातचीत रही निश्चित रूप से यह उस भविष्य की ओर संकेत करती है कि अगर अभी तक नहीं चेते हैं तो चेत जाएं। जो पानी हमारा एक बड़ी मात्रा में वर्षा जल के रूप में हमें मिलता है, उस पानी को अनायास ही न बह जाने दें, नहीं तो जल जो हमारी धरती के भीतर है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें कृषि के लिए उपयोग में आता है, वह एक दिन कम होता चला जाएगा और एक स्थिति यह आएगी कि जो हमारे पुरखों ने हमें जल सौंपा है, हम आने वाली पीढ़ियों को वह जल उन्हें नहीं सौंप पाएंगे। आप लोग कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।